ये वाला पर्दा बहुत अच्छा लग रहा है, बताओ। हाँ। इधर देखो तो सही। हाँ, ये सही है, सुंदर लग रहा है ना। हाँ, सुंदर ये भी है। बहुत महंगा महंगा है। बहुत महंगा है। अस्सी तो 20-20 का। हाँ, कौन सा वाला चॉकलेट? ये तो फाइनली खड़े हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, है ना? हो गया ना आराम से? दिखाओ, चलो तो बाथरूम के लिए, ठीक है? हाँ, दो बाथरूम के लिए दो, ओके? पहले ये टॉयलेट की टूटी लेंगे, रुको। चलो बैठेंगे बैठेंगे, आओ मम्मी का हाथ पकड़ो। चलो पहुंच चुके हम लोग दीवार, बोले खूब सारा शॉपिंग करेंगे। हाँ बिट्टू, मेरी गलती है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं और रिशु हम दोनों जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए नए घर के लिए। तो अभी बस दो दिन बचे घर की पूजा में। हाँ, अच्छा नहीं जाना बोल रही है? तो कौन जाएगा? और कोई है नहीं, और कोई नहीं हमारे अलावा, हमको करना ही पड़ेगा शॉपिंग। हाँ ठीक है ठीक है। तो घर के जस्ट सामने डी मार्ट है, तो डी मार्ट में जा रही हूँ और आप लोग चलिए हमारे साथ। तो अच्छा, कहीं और जा रहे हैं हम लोग, डी मार्ट नहीं जा रहे। तो चलिए आप लोग हमारे साथ और देखिए नए घर के लिए मैं क्या क्या चीजें लेती हूँ। वो क्या बोल रही है मैं अच्छे तरीके से समझ रही हूँ। फिलहाल अभी जा रही हूँ डी मार्ट और वहाँ से बहुत सारा चीज़ें घर के लिए लेने वाली हूँ। तो आप लोग चलिए, आप लोग बने रहना मेरे साथ, क्या क्या ले रही हूँ आप लोग को दिखा दिखा के मैं लेने वाली हूँ। तो लेट नहीं करूँगी, अभी बज रहे 12 और 2 बजे तक मुझे घर में वापस आना है क्योंकि ऋषु को खाना वाना खिलाना है। फिर उसके बाद 3 बजे मुझे नए घर में जाना है और ताला लगा के आना है, मेरा ताला। तो डी मार्ट से आज ताला भी खरीदने वाली हूँ और भी बहुत सारा चीज़ खरीदने वाली हूँ। चले चलो। फिर बारिशों ने बोल ही दिया तो ये एक बैग लेके जा रही हूँ, ये भी डी मार्ट का ही बैग है। तो आई थिंक मुझे 2 बैग और वहां से खरीदना पड़ेगा। 29 रुपए का बैग है ये, अच्छा बैग है। देखिए अच्छा बैग है। चलो बेटा आज नए घर के लिए हम लोग सामान खरीदेंगे। वाओ, ऋषि और मम्मा मिलके ना, माँ बेटी मिलके यार घर के लिए सामान खरीदेंगे। खत्म हो गया, सच में खत्म हो गया। लो खत्म हो गया बेटा, चलो निकले। हम डी मार्ट जा रहे हैं। चलो देखो सब बंद है क्या? मम्मा तो भूल जाती है ये वाला ना, वो बंद कर देती हूँ, जाली लगा देती हूँ। हाँ बेटा, ये वाले घर का लाइट बंद कर देती हूँ, मुझे याद दिलाना ताला खरीदना है करके। ओके चलो, पानी डूब गया, तुमको तो पानी पीने को रहता है। रुको एक बोतल पानी ले लेती हूँ उसको हर आधे घंटे में। और चलना, ज्यादा खर्च नहीं करूंगी, थोड़ा थोड़ा सामान ही लूंगी घर के लिए जो एकदम नीडी एकदम जरूरी है। तो आप लोग के साथ ही रहने वाली हूँ। हाँ बिट्टू, मेरी गलती है। हाँ पानी गिर गया, मत अगे जाओ, मत आओ। मम्मा की गलती बेटा, ढक्कन को तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? मम्मा की राय है। हाँ मम्मा को ध्यान नहीं था। मम्मा तुम सॉरी बोलो। हाँ ओके सॉरी बेटा, और नहीं करना, और नहीं करूंगी, ठीक है। मेरी नानी अच्छा, नानी घर चली गई? नहीं बेटा, आपकी नानी नहीं, मेरी नानी। आप मेरी नानी तो हो? अच्छा तुम रिशु हो? ओके चलिए, पानी तो ले ली हूँ, अब डिमार घुसने के पहले एक बार पिला दूंगी। ये कितना मजा आए रे। चले बेटू चलो। हाँ मम्मा, हाँ डी मार्ट जा रहे हैं। देखो यहीं पे कितना टाइम हो गया, देखिए बात करते करते। हाँ, हाँ
चलो 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 बेटू, तुमको ना अभी बोतल पकड़ो, अकेले अकेले शूज पहनना सीखना पड़ेगा समझे। चलो मम्मा कब तक पहना देगी, भी बड़े हो गए हो ना। चलो बट ट्राई करना ओके। चलिए मैं निकलती हूँ, चलो तो निकल रही हूँ आराम से आराम से करने। ठीक है अब बोलो, सीधा मिलेंगे डी मार्ट में जाके। बाय बाय। चलो बैठेंगे बैठेंगे, आओ मम्मी का हाथ पकड़ो। चलो पहुंच चुके हम लोग डी मार्ट, बोले खूब सारा शॉपिंग करेंगे। पहले लेना है टॉयलेट क्लीनर ये। हाँ पहले ये टॉयलेट क्लीनर फ्रूटी लेंगे। रुको तू चुप करो, तुमको मैं लेके नहीं आऊंगी और कभी भी बता दे रही हूँ, बदमाशी की है तो। कुछ इसलिए ना बच्चों लोग कहीं भी लेके जाओ तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। ये यहाँ से नैपकॉन है, नैपकॉन ये चले, बाय वन गेट वन फ्री। मम्मा ये ले लेते हैं। तो ये मम्मा ये हाई है, तुमको पीटूंगे अभी। खुल गया क्या? हाई। बर्तन धोने का साबुन लेना है बताओ? साबुन लेना है बताओ? साबुन। मैं तुमको बोली थी ना मुझे कुछ याद दिलाना, यही सब चीजें मैं ले रही हूँ फिलहाल अभी। चलो 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 चलो, आज भारी हो जाएगा है ना। ये ले लेते दो ओके। ये लेना है, ये लेवेंडर वाला अच्छा रहता है, लेवेंडर वाला अच्छा रहता है। ये दो दो ले लेंगे, दो बाथरूम के लिए। ठीक है दो बाथरूम के लिए दो ओके। ठीक है पूरा घर के लिए शॉपिंग हो रहा है। चलो लेना है झाड़ू। देखो अभी झाड़ू तुमको लगेगा अच्छे से। ठीक है रस्सी दो, 20-20 का। हाँ दो रस्सी। ये देखो ये वाला टॉयलेट ब्रश, ये मैं दो ले रही हूँ टोटल दो। ये एक आपका 250 का पड़ेगा। हाँ तो और एक ये अच्छा है ना, स्टैंड है, आप इसमें आराम से रख सकते हो ब्रश को, बेस्ट है सब चीज़ें। दो टॉयलेट ब्रश हो गया, झाड़ू हो गया, ये हो गया, रस्सी लेनी हो ये लेनी हो। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। चलो चलो चलो। सामान तो इतना सारा ले ली हूँ, पूरा साफ सफाई का सामान है नए घर का। अब पर्दा पुर्जी देख लेती हूँ, पर्दा वर्दा कुछ सस्ते में मिला के लूंगी। अब कैसे लेके जाना है ऋषु को मैं ही सोच रही हूँ, सामने सामान के ऊपर बिठा लूंगी। खोलो भरी ये आ गए बेटा, फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर्दा देखेंगे ओके। पैर पोछ है, पैर पोछ लेना पड़ेगा। ये सारा 59 रुपए का है एक एक पैर पोछ। ले ले क्या? ये कितने वाला है? ये ना मुड़ जाता है, ऐसा मुड़ जाएगा, ये अच्छा लग रहा है। 100 देख लेते उसके बाद आखिर में पैर पोछ देखेंगे। ठीक है चलो। ये वाला पर्दा बहुत अच्छा लग रहा, बताओ। हाँ। ये तो देखो तो सही। हाँ, ये सही है, सुंदर लग रहा है ना। हाँ, सुंदर ये है। इसका प्राइस कितना पता है? हाँ, 400 रुपए, एक पर्दा 400 रुपए का है। हाँ यहाँ पे इतने महंगे महंगे हैं, ऑनलाइन भी देखिए बहुत महंगा है। एक पर्दा सिर्फ 400 का, पर्दे आई थिंक महंगे आते हैं अच्छे पर्दे। हाँ। बाबा रे पर्दे बहुत अच्छे लग रहे हैं। यह एक 700 का है, ये 600 का है, ये अच्छे लग रहे हैं, क्लासी क्लासी लग रहा है थोड़ा सा। ये तो ये तो कॉमन है, सबके घर में मोस्टली होता है, पर 400 रुपए का है ये। हाँ बेटा तुम्हारा चप्पल क्या हो गया? लोगों को बोल रही मम्मा नया शूज चाहिए। चलो कहाँ पे आपका शूज़, कहाँ पे ये दिखा दो, आपका शूज़ का कॉर्नर कहाँ है?
को नया सूट चाहिए। हाँ मेरे साथ चलो, चलो फिर चलो, लेके जा रही है इसको नया शूज। हाँ तो मैं जा रही हूँ वापस, इसको लेके शॉपिंग करना इतना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, इसको सब चाहिए अभी इस वक्त। चलो चलो अभी जितना जरूरत है, मेन था घर साफ सफाई करने वाला वो ले ली। मम्मा चले अभी। हाँ बेटा नहीं पता मेरे को, मेरे को बोलते आपको पता है, बोले नहीं नहीं पता। ये एट सिंगल बेडशीट, एक सिंगल बेडशीट 150 में मिल रहा है, नहीं पता मेरे को। हम लोग चलते हैं फिर सीधा घर चलते हैं। चलो एक बस बेडशीट ली हूँ, चले अभी सीधा बिलिंग करते हैं। चलो फटाफट फटाफट फटाफट, बस इतना ही आज। और सब लोग पता है बाकी सामान बेडशीट वगैरह या फिर जितना भी सामान है जरूरी सामान खुलेगा होता वो नेक्स्ट मंथ। चले खुला खुल जा सिम सिम जादू मम्मा। हाँ बेटा स्कूल बस लिए हैं, कितना सुंदर है देखो, है ना। कौन सा वाला चॉकलेट? ये एक बस एक बस एक बस 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 बहुत ज्यादा थकान हो गई है। बताओ रिशु बहुत शॉपिंग की है आज, बताओ। हाँ बोलो जोर से। हाँ बस हमारी बिलिंग होगी फिर घर के निकलेंगे, बताओ। अब बारी था सामान जमाने का, तो यहाँ पे मैं किनारे में एकदम खड़ी हो गई, रिशु को एकदम क्या बोलते उसके ऊपर बिठा के रखी थी ट्रॉली के ऊपर, और यहाँ पे मैं एक एक सामान लेके बैग में डाल रही थी। उसको मैं ट्रॉली से उतारी नहीं क्योंकि उसको उतारेंगे तो यहाँ वहाँ दौड़ेगी और आगे पीछे से गाड़ी वगैरह आ रहा था। मैं ये सोच रही थी कि आराम से मैं मतलब मेरे सामने जो स्कूटी का जगह है ना वहाँ पर आराम से आ जाए रिशु को, मेरे को उसको ऊपर बिठाना ना पड़े। मैं तो पहले ये सोची थी उसको ऊपर बिठाऊंगी, देखते चले अब देखते हैं किस तरीके से क्या मैनेज करती हूँ। बैग इतना भारी हो गया था ना, मैं सोच नहीं पा रही थी क्योंकि मतलब दो दो किलो का पूरा बोतल था, चार बोतल था उसके अंदर। फिर चावल भी ली थी मैं घर के लिए 3 से 4 किलो, तो यहाँ पर देखिए जगह बन जाएगा, थोड़ा सा इसको और खिसका दूंगी ना आगे, तो रिशु यहाँ पर आराम से पैर रख के खड़ी हो सकती है। लेकिन ये एक बैग नहीं है और एक बैग है, रिशु को वहाँ पे मैं ट्रॉली के ऊपर छोड़ के आई हुई थी। मैं बोली हिलना नहीं, तो यहाँ बैठे बैठे पॉपकॉर्न खा रही है। मम्मा मुझे पॉपकॉर्न खाना है, फिर मैं उसको सॉल्ट वाला पॉपकॉर्न ऐसे खरीद के दी। आते वक्त कितना अच्छा मौसम था, इतना धूप है, आराम से सामने खड़ी हो जाएगी। मैं सोच सामान बहुत सारा हो गया, पर्दा पुर्दा नहीं ली ना, चलो यहाँ खड़ी हो जाएगी। तो फाइनली खड़े हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, है ना, हो गया ना आराम से, दिखाओ। चलो कोई इशू नहीं, ठीक है, मम्मा तो यहाँ बैठेगी ना। तो फिर चलिए मैं निकलती हूँ अब सीधा मिलकर आप लोग से घर जाके, है ना। चलो बोलो बाय। इतना भारी बैग होगा मैं सोच ही नहीं थी। दादा खोल देती, पानी पास लगी ना। ओह भारी पता है क्यों हुआ, मैं बता रही हूँ। कार्तिक है ऐदा का खाना है, नहीं मैं खिला दे रही हूँ। दो हार्पिक है, फिनॉल है, बर्तन धोने का साबुन है, बहुत सारा भारी भारी चीज है उसके अंदर। पिया पानी? नहीं, नहीं मम्मा पिलाएगी। उफ आते आते मैं सब्जी भी खरीदी लेकिन अब हिम्मत नहीं पड़ा कि मैं ब्लॉग शूट करूँ। अभी सब्जी लाई हूँ, अभी खाना बनाऊंगी। चॉकलेट देंगे तुमको, डी मार्ट से देखे थे चॉकलेट ली थी, वो चॉकलेट के लिए जीत कर रही है। चलो बेटा ये सब बाद में निकालेंगे, ये सब्जी लेके आई हुई थी, पत्ता गोभी है इसमें दे रही हूँ, पत्ता गोभी है, करेला है, तो करेला भाजा दाल बनाऊंगी और चावल बस। उफ थोड़ा पानी पी लेती हूँ, कैसे काली लग रहा है देखिए, मेरे हाथ में भी लगा है काली 2-3 जगह, ऐसे हाथ में भी लगा है बहुत जगह। बेटा आओ थोड़ा सा पंखे के नीचे बैठेंगे, आओ उसके बाद नहाएंगे, आओ। चॉकलेट दे लेती हूँ, चलो एक मिल्क की बात लिखी 10 रुपए का। हाँ। एलो ये लो आपका बस, ये पता है क्या है, एक कॉम्पस बॉक्स है, तुम तो स्कूल जाओगे ना तब काम में आएगा। ए देखो वाओ, ये खाना बना लेती हूँ। मेरे को ये बड़े बड़े साइज के करेला मिला है, तो इसका एकदम बारीक काट के भूंजा बनाऊंगी
प्याज के साथ। टमाटर का मेक भी नहीं है, टमाटर देख रही थी लेकिन भैया के पास इतने इतने टमाटर है, सारे के सारे सड़े हुए हैं, आई थिंक बारिश की वजह से हुआ होगा। और 80 रुपए किलो टमाटर बाबा। और धनिया पत्ती लेके आई हूँ 20 रुपए का। देखिए 20 रुपए का कितना सारा धनिया पत्ती दी है मुझे। एक पाव 50 रुपए, तो 20 रुपए का लेके आई हूँ, आधा पाव से थोड़ा कम है। तो ये सारा छाट के न्यूज़पेपर में रैप करके रखूंगी तो 15 दिन तो एकदम चलेगा ही चलेगा। और एक पत्ता गोभी लाई हूँ, ये अकेले इंसान कितना खाऊंगी, लीची पत्ता गोभी नहीं खाती, ये मेरे लिए है। करेला वो बहुत खाती है। और भैया बोले मेरे पास 5 रुपए का चेंज नहीं है, तो मेरे लिए 5 रुपए का अदरक दे दो फिर। तो 5 रुपए का अदरक अच्छा दिए ना, कम से कम 1 2 3 4 5 दिन तो चल जाएगा, थोड़ा थकर के सब्जी से देने थे, 5 दिन का 5 रुपए का 5 दिन अदरक चलेगा। तो पेट दर्द दे रहा है मेरा, पता नहीं क्यों, पानी तो पी थी। पता है मेरी सब्सक्राइबर है जो मुझे कह रही थी, आप जब बात करते हो ना, आप जब सांस लेते हो ना तो आपकी सांस लेने की आवाज़ आती है करके। तो मेरा ये वाला नोज बंद है, मतलब बंद मतलब मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, ये यहाँ पे जो आपका मसल्स है वो पूरा बढ़ के अंदर जुड़ चुका है। तो जैसे सांस लेती हूँ ना तो बहुत मुश्किल से अंदर जाता है, जिस कारण से ना आवाज़ आता है सांस लेने का। ये वाला नाक ठीक है ये, बट ये पूरा मसल ज्वाइन हो चुका है, सांस लेती हूँ तो थोड़ा दिक्कत जाता है, इसलिए आवाज़ करता है सांस लेने का। पहले कुछ भी बीमारी मुझे नहीं थी, आफ्टर प्रेगनेंसी जो एक केयर बॉडी को मिलना चाहिए, जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी एक मालिश होती है, फिर एक खान पान रहन सहन सारा चीज़ चेंज हो जाता है, बॉडी को पूरा मालिश चाहिए, बॉडी को केयर चाहिए, वो मुझे नहीं मिली है। क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, दिन भर सोचना, कोर्ट जाना, ये पेपर पढ़ना, क्योंकि कोर्ट के सब चीज़ नया नया था मेरे लिए, तो मैं वहाँ से उभर ही नहीं पाई। तो आज वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे बहुत, कभी कभी तबीयत ख़राब होता है, जैसे मैं पहले बीमार बिल्कुल भी नहीं रहती, बस एक बीमारी था, निमोनिया हुआ था जिस कारण से मेरा कान में दर्द हुआ था, तो वो दोष मेरे को भी है। लेकिन अभी इतनी सारी कुछ बीमारियाँ निकल रही, बोलते ना कि आफ्टर प्रेगनेंसी एक औरत का बॉडी पूरा चेंज हो जाता है, और एकदम सच है, सच में पूरा चेंज हो जाता है, और बॉडी के साथ साथ उसका मेंटलिटी भी चेंज हो जाता है। खाना बनेगा तो फटाफट डिशों को खिला के सुला दूंगी, फिर जो मेरा बाकी पैकिंग का काम है वो मुझे करना पड़ेगा। देखिए सुबह से लगी हुई हूँ, और भैया फ़ोन किए थे मेरे को, घर में भी जाना पड़ेगा, बड़ा दिक्कत है। आपको मैं एक्स्ट्रा बेसिन का फरमाइश की थी, तो बेसिन भी भैया लगा दे रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई कि चलो कम से कम मैंने जो जो कहा वो बोले, मैम आपको कुछ करवाना तो बता दीजिए, फिर मैं बोली जो जो बोली उन्होंने सारा काम किया, कुछ भी नहीं छोड़े हैं। तो आज बनाने वाली हूँ मैं ये मसूर की दाल, मसूर की दाल बनाऊंगी आपका सरसों का फोरन से। मेरी प्यारी बेटी रानी को सरसों फोरन का दाल और सरसों फोरन की सब्जियां ज्यादा पसंद है, जीरा से अगर कंपेयर किया जाए तो। एक बार में रात के लिए बना के रख देती हूँ, है ना, बना के रख दूंगी, अभी तो आपको दोपहर का टाइम है, बना के रख दूंगी, रात को खाने के पहले गर्म कर लूंगी तो हो जाएगा। फिर आप सबसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कल, आप सभी बहुत अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि मैं ऐसा मतलब बात करते करते खाना बनाऊंगी तो मेरे को लेट हो जाएगा, 2 बज गए ऑलरेडी। फटाफट करेला भून दूंगी, चढ़ा दूंगी, क्योंकि मैं तो रह लूंगी भूखी, लेकिन रिशु सुबह 4 ब्रेड खाई थी, एक काम करती हूँ, खाना बनाते बनाते ना आधा एप्पल काट के दे देती हूँ, आधा एप्पल ही दूंगी, पूरा एप्पल दूंगी तो खाना नहीं खाएगी फिर, ये बढ़िया है। दूसरा चाकू लेती हूँ, आधा एप्पल काट के दे देती हूँ उसको। पता है एक चीज़ अच्छा है, वो फल खाने के लिए कभी मना नहीं करती, मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है फल नहीं खाते हैं, मतलब टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता है इसलिए, लेकिन जीशु फल खाने के लिए कभी मना नहीं करती। हम लोग खुद बचपन में फल ही नहीं खाते थे, एंड अभी भी उतना पसंद नहीं है फल। मैं तो लाती हूँ रिशु को, पहले मैं उसको छिलका छिलके देती थी, अभी छिलका छिलके नहीं देती हूँ, ऐसा बस हल्का सा बोलते कि मोम मोम रहता है करके ऐसा सा कर देती हूँ।
क्योंकि एप्पल के छिलके में ही उसका मेन वो रहता है पोषक तत्व। ऐसे कुछ नहीं है, मोम वगैरह कुछ भी नहीं है। ये हो चुका। एप्पल खाओ, चल दिया कम। नहीं नहीं मासी पढ़ाई देखी ना है। मासी से बात कर रहे हो, पढ़ाई करो कि मासी के साथ? अच्छा ठीक है, देख कर रही है। बर्ड्स बस नहीं पढ़ाई है, पढ़ाई है। अच्छा चलो चलो ये वाला पढ़ो, ये बर्ड्स वाला पढ़ोगे? नहीं ये मासी पढ़ना है। अच्छा मासी पढ़ाएगी, ये है ए, अच्छा ठीक है। तो ये दिखाओ वेजिटेबल्स, दिखाओ। अच्छा ये वाला खोलो ना, एनिमल वाला खोलो, पेट एनिमल वाला खोलो, फटाफट खोलो। अच्छा बाबा सब आपका ही है।